सही राम राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टैलेंटेड प्रियंका में। और आज का लेसन तो आपने स्टार्टिंग में एक झलक देख ही ली होगी, आज है भांगड़ा की क्लास। तो फ्रेंड्स, आपको पसंद आया ना, तो आज मैं यही भांगड़ा की धुन बताने वाली हूँ कि कैसे बजा सकते हो आप लोग। बहुत ईजी है, बहुत मज़ेदार है, लेकिन एक स्पेशल चीज़ लास्ट में बताऊँगी जिससे आपका जो ढोलक का पैटर्न है वो बिल्कुल भांगड़ा का साउंड देगा। सच्ची रियली आप लोग कहोगे कि क्या टिप्स दिए, बट वो वीडियो के एंड में या बीच में मैं कभी भी दूंगी, बट मैं आज बताऊंगी नहीं। तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसके बाद विदाउट स्किप फिर वीडियो को देखिएगा। और बिल्कुल आप काउंटिंग भी कर लोगे, मानते हैं, बट अगर आपको और बहुत ज़्यादा भांगड़ा वाली फीलिंग लानी है अपने घर के फंक्शन में, तो कभी क्या होता है कि छोटा भी फंक्शन हो रहा है तो मान लो किसी की मतलब मनी इतना नहीं है किसी के पास, तो भांगड़ा वाले को छोटे टाइम पर हम बुला सकें, तो आप खुद ढोलक से बजा सकते हो। बिल्कुल खुले हाथ रख के, ढीले हाथ रख के आप बजाइएगा। आप क्या कहोगे कि भाई क्या यार भांगड़ा बज रही है। ठीक है, तो टिप्स दूंगी बीच में या लास्ट में, ओके। तो चल पहले सबसे पहले हम काउंटिंग बताते हैं कि कैसे बजाना है, ठीक है। फिर जो ट्रिक है वो बीच में लास्ट में बताऊँगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बताइएगा कि कैसे लगी मेरी वीडियो। एंड सेकंड चैनल टैलेंटेड प्रियंका शॉर्ट्स के नाम से है, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ मेरी डांस की वीडियो इसी पे आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ओके। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए कोई भी सॉन्ग हो तो बताइएगा, मैं वीडियो लेकर आऊँगी उस सॉन्ग पर, ओके। स्टार्ट करते हैं, क्या करना है आपको, वन बजाया नहीं ना, वन टू थ्री, थ्री काउंटिंग आपको बेस पर बजाना है। ये देख लीजिए बेस, ठीक है। क्या करना है, वन टू थ्री। अब थ्री काउंटिंग को कैसे बजाना है, वन टू थ्री कैसे बजाना है, वन टू थ्री, वन टू थोड़ा सा स्पीड में ले लेना है, वन टू फिर थ्री, इतना के लिए होगा। फिर से देखो, वन टू फिर थ्री। इसके बाद आपको क्या करना है, बेस तो मैंने बताया अभी, पहला बेस का पैटर्न। एंड सेकंड चाटी पे भी आपको क्या करना है, वी शेप में हाथ रखिए अपना, फिर चाहे वन इससे स्टार्ट करिए चाहे इससे स्टार्ट करिए, एज यू विश, आपकी इच्छा के हिसाब से है, ठीक है। तो वन टू थ्री, मेरा इससे होता है ज़्यादातर, ठीक है, तो मैंने इससे कर दिया वन टू थ्री। जो धुन इसकी थी वही धुन इसकी रखनी है, कैसे, वन टू थ्री ऐसे ही बजाना आपको, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है, इतना हो गया। अब ये थ्री ही रहेगा यहाँ पर, वन टू थ्री फिर वन टू थ्री, ऐसे खाली बजाना है। इसकी धुन अलग है, पहली धुन क्या है, वन टू थ्री, जैसे मैंने ये बताया था, वन टू थ्री, मतलब वन टू जल्दी से बजाना है, वैसे ही इसको भी करना है, वन टू, ठीक है, वन टू थ्री, थ्री को ऐसे ज़ोर से रख देना है, वन टू थ्री, ये धुन समझ गए। उसके बाद थ्री और करना है, तो वो ऐसे करना है आपको, थ्री यहाँ पे रुका, ऐसे वन टू थ्री, फिर वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है। यानी ये छः काउंटिंग हो गई, और यहाँ पर आपको थ्री, अभी बताऊँगी, इधर देखो, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री। जब आप लास्ट में यहाँ पर थ्री करोगे तो आपको यहाँ पर टू बजाना है, वन टू, फिर से देखो, टू का क्रॉस करो आप लोग, चक्कर में नहीं पड़ना, देखो ध्यान से, फिर से देखो, वन टू थ्री बेस पे बजाना है, चाटी पे भी बजाना है, वन टू जल्दी से बजाना है, वन टू थ्री, वन टू थ्री। अब मेन पॉइंट क्या है इसका, आपको इससे भी वन टू थ्री बजाना है बेस से, और आपको इससे भी बजाना है, तो अब वन टू थ्री को साथ साथ बजाएंगे, पहली वाली वन टू थ्री को, ठीक है, ऐसे वन टू थ्री, ये भी रह गया ना, वन टू थ्री, वन टू थ्री,
1 2 3 इतना साथ साथ चला लिया, उसके बाद 1 2 3 हो गया। उसके बाद 6 काउंटिंग होगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आपको समझ में आ जाएगा। 6 काउंटिंग हो गई इधर की और ये 3 हो गई, साथ साथ 3 3 करेंगे, उसके बाद 3 एक्स्ट्रा हो गई ऐसे 1 2 3 4 5 6। फिर आपको एक काउंटिंग घटा देनी है, ये स्टार्टिंग में ही करोगे ठीक है, फिर ऐसे करना है। मैं बजा लूँ एक बार, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6 ये धुन रखनी है ठीक है, 4 5 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस टाइप से करना है। उसके बाद ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक बार आप लोग धुन सुनो इस पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब काउंटिंग लिखिए आप, मैं बताती हूँ आपको, भूलना नहीं। 1 2 3 4 5 6 पहली काउंटिंग, उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सेम यही ढोलक बजेगी जो आप 6 करते थे इस हाथ से चाटी से, वहाँ पर आपको एक घटा देनी है, बस इतना करना है। 1 2 4 5 6, 3 मत बोलना, बोल सकते हो पर अगर 3 बोलोगे तो धुन नहीं निकल पाएगी, यही मेन ट्रिक है ठीक है, 3 का ध्यान रखना, 3 मत बोलना ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6। फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6 ऐसे। अब धुन देखो, इस पे देखो अब, ठीक है फिर से देखो, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6। अब स्पीड में बजाना जो भांगड़ा बजता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर भांगड़ा की धुन चाहिए आपको, आप ना ढोलक में जो बकरी वाला वो लग के आता ना खाल, तो उसको निकाल सकते हो, ये बोल्ट वाली ढोलक होती है, तो मैंने अपना वो पोर्शन निकाल के रख दिया और ये ढोल वाला हमने पोर्शन लगा के रखा है। जब आप ये लगा के रखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ढोल या भांगड़ा ये सब कुछ वही साउंड सुनाई पड़ेगा, ये मेरा वही लगा है, प्लास्टिक का बोलते हैं इसको, मैंने बकरी का हटवा रखा है ठीक है। मिनट बताओ कितनी मिनट की होगी ढोलक, 5 6 7 8 9, ओ गॉड इतनी बड़ी वीडियो हो गई। चलो अब इस वीडियो में बताते हैं, फ्रेंड्स आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी वाली धुन, तो कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो YouTube चैनल एंड बिल्कुल ना वीडियो।